कोरोना काल में जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी बड़ी मुसीबत है। लोगों के लिए इस मुश्किल को खड़ा करने में कोई और नहीं बल्कि वो लोग बेनकाब हो रहे हैं जिनके कंधों पर इस आपदा काल में लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है। लोग हर चीज में मुनाफा तलाश रहे हैं, फिर वो रेमडेसिविर जैसे जरूरी इंजेक्शन हो या एक एक सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन। ऐसा ही कालाबाजारी की ब्लैक गैंग बेनकाब। कोरोना काल में सांसों के सौदागर, किसी की जिंदगी किसी का मुनाफा, काला बाजारी का ब्लैक गैंग बेनकाब। रेमडेसिविर इंजेक्शन इस वक्त हर कोरोना मरीज के लिए जिंदगी की तरह है और बीमारों के लिए जिंदगी की खुराक मानी जाने वाली यही दवा काला बाजारियों की मुट्ठियों में कई जगह बंद है। बाजारों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग इतनी ज्यादा है कि मुनाफाखोरों ने इंजेक्शन की जमाखोरी कर उसे ब्लैक मार्केट के जरिए हजारों रुपए ऊंचे दामों में बेचना शुरू कर रखा है। कानपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले चार ऐसे ही लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है जो एक इंजेक्शन के बदले 35 से 40 हजार रुपए लिया करते थे जो इसकी कीमत से 10 गुना तक ज्यादा है। कालाबाजारी के इस खेल को एक मेडिकल स्टोर संचालक और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 26 ऑक्सीमीटर और 1,52,000 रुपए मिले हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस और थाना रेल बाजार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 4 अभियुक्तों को रेमडेसिविर, ऑक्सीमीटर और अन्य मेडिकल उपकरणों को महंगे दामों में बेचते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। घटना इस प्रकार की है कि गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अंशु और एक एजेंट अमरीश के द्वारा ये रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केटिंग में 35 से 40 हजार रुपये में बेचा जा रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही एक ट्रैप रचा गया और पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया जिसने इनसे ये 35,000 में रेमडेसिविर खरीदा। उनसे पूछा गया तो गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा ये इनको कई दिनों से इस तरीके का रेमडेसिविर प्रोवाइड किया जा रहा था और ये ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहे थे। केवल रेमडेसिविर ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन की भी काला बाजारी की जा रही है। अलीगढ़ के एक ऑक्सीजन प्लांट में गैस सिलेंडर्स पर हजारों की मुनाफाखोरी का एक बड़ा खेल सामने आया है। अधिकारी के शह पर कालाबाजारी, लुटेरों को बना दिया सांसों का पहरेदार। अलीगढ़ के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट राधा इंडस्ट्रियल गैस में डीएम अलीगढ़ ने ऑक्सीजन वितरण के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को प्रभारी बनाया, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने सबसे करीबी बाबू पीयूष ताराभाई को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। आरोप है कि इसके बाद ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी का खेल शुरू हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट के करीबी बाबू ने कालाबाजारी के लिए अपने 2 गुर्गों पीयूष और समीर को प्लांट में लगा दिया। मेरी शिकायत ये है कि समीर एंड दीपक ये 2 बंदे हैं सर, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं भेजा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पीयूष ताराभाई जी आए थे मेरे प्लांट पे, जो उन्होंने अपॉइंट किए थे वो ठीक था। उन्होंने अपने 2 फ्रेंडों को बुलाया, फ्रेंडों को बुलाने के बाद बोलते हैं कि ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए आए हैं यहाँ पर। मैंने कहा इट्स ओके अगर आप मैनेज कर रहे हो, बोले कि मैं सिर्फ समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, समाज सेवा करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर लीजिए। धीरे धीरे सर उनका समाज सेवा का जो रूप था सर वो चेंज हो गया। वो बोलने लगे मुझसे कि नहीं मुझे तो इसमें 50% पार्टनरशिप चाहिए। जब हम 24 आवर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारा भी तो कमीशन उसमें सेट होना चाहिए। मैंने कहा ये तो मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट के गुर्गों ने ऑक्सीजन प्लांट पर कालाबाजारी के साथ ही प्लांट मालिक पर भी हिस्सेदारी को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपियों ने ऑक्सीजन की जमकर कालाबाजारी की। जब आरोप प्लांट पर लगने लगे तो मालिक ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर हकीकत सामने आ गई। आपातकाल में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मामला सुर्खियों में आने पर अलीगढ़ के प्रभारी डीएम ने प्लांट मालिक की शिकायत की जाँच के आदेश दिए। राधा गैस एजेंसी के संबंध में
प्रभारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे जांच सौंपी गई है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। मैं कल से इसकी जांच प्रारंभ करूंगा और 3 दिन के अंदर सभी तथ्यों से जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दूंगा। अलीगढ़ में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का खेल खुल चुका है, मतलब साफ है कि इस आपदा काल को अधिकारी भी अवसर बनाने में जुटे हैं। जिस वक्त लोगों के लिए एक एक पल की ऑक्सीजन मुश्किल हो रही है, उस खौफनाक वक्त को भी जिम्मेदारों ने अपनी मुनाफाखोरी का रास्ता बना डाला। इससे बड़ी बेशर्मी और संवेदनहीनता और क्या हो सकती है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त जांच होनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे दूसरे कालाबाजारियों को सबक मिल सके। कानपुर से रतीश और अलीगढ़ से प्रदीप कुमार, ABP गंगा।